नमस्कार, स्वागत है सभी का अध्यमिता क्लासेस में। फटाफट लाइव आइए। ठीक है बच्चे, किसी का एग्जाम आने वाला होगा, किसी का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम। बच्चे एग्जाम का ये महाकुंभ धीरे धीरे बच्चे एंडिंग की तरफ जा रहा है और अधर मंत्रा और पूरी टीम की बेस्ट विशेष आपके साथ है। बच्चे आप तैयारी करते रहिएगा और हम और आज और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं और चीजों को समझते हैं। फिर मैं वही कहूंगा कि लेवल हमारा वही रहेगा जो केवीएस में अब तक पूछा जा रहा है, उसी के लेवल पे आपको मैं प्रैक्टिस कराता रहूंगा। ठीक है, स्टार्ट करें हम यहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, बिल्कुल समय को वेस्ट नहीं करना, हमें इसको स्टार्ट करना है। हमें देखिएगा, एक मिनट। यस, हाँ, क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है, इन एमएस एक्सेल वी कैन नॉट कैलकुलेट। एमएस एक्सेल में हम गणना नहीं कर सकते हैं। डिवीजन सॉल्यूशन है, इंटीग्रेशन सॉल्यूशन है, अर्थमेटिक सॉल्यूशन है, मल्टीप्लीकेशन सॉल्यूशन है, किसकी गणना हम नहीं कर सकते। सुनना ध्यान से। देखो बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस को ना कई बार क्या होता है, सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन होता है। बच्चे अगर आप ऑप्शंस भी देखोगे तो तीन ऑप्शंस एक तरफ जाएंगे और एक ऑप्शन जो ऑड होता है दैट इज द आंसर, वो आंसर होता है। आप ऐसे समझिएगा, तो मेरी तरह समझिएगा। देखो मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, जी हाँ हम कर सकते हैं। क्या आप इंटीग्रेशन, हाँ मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। डिवीजन कर सकते हैं, जी हाँ। अर्थमेटिक यानी कि प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन वो सब हम किसमें कहते हैं, वो सब कहते हैं अर्थमेटिक में। तो क्या नहीं कर सकते, यहाँ पे इंटीग्रेशन जो ऑप्शन होता है यानी सब में सबसे जो अलग है वो इंटीग्रेशन सॉल्यूशन है। तो आंसर हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो आप ऐसे समझिएगा, ठीक है। हाँ, तो आंसर क्या हुआ हमारा, इंटीग्रेशन। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ ए कंप्यूटर प्रोवाइड्स डेटाबेस सर्विसेज टू अदर देन इट विल बी नॉन एज। यदि एक कंप्यूटर दूसरे को डेटाबेस सेवाएं प्रदान करता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है। देखिएगा बच्चे, यहाँ पे डेटाबेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, डेटाबेस का देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डेटाबेस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, डेटाबेस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, डेटाबेस का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है वो। तो एफटीपी तो होगा नहीं क्योंकि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है हमारा, ठीक है। कुछ एब्रीवेशन भी बताता रहूंगा आपको, फाइल ट्रांसफर। और एप्लीकेशन सर्वर होगा नहीं, वेब सर्वर नहीं होगा क्योंकि यहां पे आंसर क्या होगा, डेटाबेस सर्वर। जो डेटाबेस सर्वर होता है बच्चे वो डेटाबेस की सर्विस को प्रोवाइड कराता है। तो यहां पे सर्विस कौन सी है, डेटाबेस सर्विस। तो डेटाबेस सर्विस को प्रोवाइड कौन कराएगा, डेटाबेस सर्वर। सीधे सीधे के आंसर है, सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर मिलेंगे आपको, डेटाबेस सर्वर, ठीक है। हाँ, तो बीच बीच में मैं ज्यादा बच्चे कमेंट पे ध्यान नहीं दूंगा, सिर्फ आप पढ़ते रहिएगा। और मेरा टारगेट ये रहेगा कम समय में आपको ज्यादा रिवीजन कराना बच्चे, क्योंकि आपका ये पीक टाइम चल रहा है। हाँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डाटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि किस में भाई, इसके अंदर आपको कौन से फॉर्म में, ऑप्शन ए बी सी डी में से डाटा स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, आंसर विल बी बाइनरी, आंसर विल बी बाइनरी। और एक बात और याद रखना बच्चे, जिसे आप बाइनरी कहते हो यानी कि आप बिट कहते हो, तो बिट की फुल फॉर्म होती है, मैं कई बार बता चुका हूं, बिट की फुल फॉर्म क्या होती है, बाइनरी डिजिट। ये भी याद रखिएगा, बिट की फुल फॉर्म क्या होती है, बाइनरी डिजिट, ओके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फोर, विच लेवल लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज। आपको ये बताना है कि असेंबली लैंग्वेज जो है हमारी, असेंबली लैंग्वेज जो है हमारी, वो कौन सी लैंग्वेज में काउंट होती है। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली मशीन लैंग्वेज, अगर हम बात करें, चाहे वो मशीन लैंग्वेज हो, चाहे मशीन लैंग्वेज हो, चाहे वो बच्चे हमारी कौन सी लैंग्वेज हो, आपकी असेंबली लैंग्वेज हो, मशीन लैंग्वेज हो, या फिर क्या हो, कौन सी हमारी असेंबली लैंग्वेज हो, इन दोनों को हम किसमें काउंट करेंगे, इन दोनों को हम काउंट करते हैं किसमें, लॉ लेवल लैंग्वेज में, लॉ लेवल लैंग्वेज में। तो लॉ लेवल लैंग्वेज में कितनी लैंग्वेज आती है, मेन दो ही लैंग्वेज आती है, मशीन लैंग्वेज फर्स्ट और हमारी कौन सी सेकेंड, हमारी असेंबली लैंग्वेज। तो ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। और एक बात और जो इंपॉर्टेंट बात है, असेंबली लैंग्वेज में किसका यूज होता है, असेंबली लैंग्वेज में यूज होता है निमोनिक्स का। अगर आपसे कोई पूछ ले भाई निमोनिक्स किसमें यूज होते हैं, आपसे पूछ ले कि सिंबल्स किसमें यूज होते हैं, तो आंसर क्या होगा आपका, असेंबली लैंग्वेज। और एक बात और सुन लीजिएगा कि निमोनिक्स कहते किसे हैं, यानी ऑपरेशंस, जो ऑपरेशंस होते हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं, जमा घटा गुणा भाग प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, निमोनिक्स कहते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा, असेंबली इज काउंट अंडर लॉ लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसमें आएगी हमारी, लॉ लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वन बाय वन चीजों को बचे यहाँ पे इस क्वेश्चन में से, सिंपल सिंपली क्वेश्चन होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन होगी, जितने क्वेश्चन उससे और भी पूछे जा सकते हैं, उस सब मैं यहाँ पे वन बाय वन बताता हूं बच्चे, ठीक है यहां पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है,
डॉक्यूमेंट्स मूवीज इमेजेस एंड फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा आर द स्टोर एट ए. आपको बताना है बच्चे डॉक्यूमेंट क्या है, मूवीज इमेज और फोटोग्राफ जो स्टोर होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं. अब सीधी सी बात है बच्चे, इसको देखो ऐसे समझिएगा, कुछ नहीं है. आपसे आपको मैंने बताया था कल मल्टी मीडिया क्या होते हैं बच्चे, टेक्स्ट होता है, मल्टी माने बहुत सारे मीडिया, तो टेक्स्ट भी मीडिया है, ऑडियो भी मीडिया है, इमेज भी मीडिया है और वीडियो भी. तो चाहे वो फोटो हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे इमेज हो, चाहे वो आपका टेक्स्ट हो, सब क्या है, मल्टीमीडिया. तो डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है, मूवीज की बात कर रहा है, इमेज की बात कर रहा है, फोटोग्राफ जो सब बात कर रहा है. तो यहाँ पे इन सबको हम क्या कहेंगे, इन सबको हम क्या कहते हैं, फाइल. क्या कहते हैं हम यहाँ पे, हम क्या कहेंगे, फाइल कहेंगे. तो जनरली यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, हमारा फाइल सर्वर होगा. क्या होगा हमारा यहाँ पे, क्या होगा, फाइल सर्वर होगा. जो राइट आंसर होगा, मोस्ट सुटेबल आंसर होगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन, वो हमारा क्या होगा, फाइल सर्वर होगा. ओके, क्या होगा, फाइल सर्वर. अगला क्वेश्चन हमारा, Which of the following is used in RAM? आपको ये बताना है. देखो बहुत आपको पता है, हैरानी होगी इस बात पे कि RAM की फुल फॉर्म भी किसी सिप्ट में पूछी गई है. तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट इज अ वोलाटाइल मेमोरी. वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, एज द पावर ऑफ डाटा विल लॉस. पावर होते ही डाटा लॉस हो जाता है. अब क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, कि इनमें से किसका यूज रैम में किया जाता है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में. तो कंडक्टर है, वैक्यूम ट्यूब्स है, ट्रांजिस्टर है, सेमी कंडक्टर है. और आपको मैं बता चुका हूं, RAM and ROM is also known as semiconductor memory. तो semiconductor material से बनती है, that's why we called it semiconductor memory. तो चाहे RAM हो बच्चे, चाहे ROM हो, RAM हो चाहे ROM हो, ये दोनों ही किसमें count होते हैं, ये दोनों count होते हैं आपके semiconductor memory में. चाहे semiconductor material से बनती है ऐसे कह दो, या फिर वो अगर आपसे पूछे कोई semiconductor memory का example दीजिए, तो RAM and ROM, तो दोनों याद रखिए. semiconductor मतलब RAM और रोम, ये याद रहेगा आपको. हाँ शाबाश बच्चे, लाइक और इसको शेयर करते रहिएगा, ताकि बच्चे जिसका एग्जाम है, जो ठीक है, जो सेकंड शिफ्ट में, चाहे अकल है, अब तो बिल्कुल एंडिंग चल रहा है, तो वहां पे उसका लोग यूज कर सके उसका, ठीक है, इसको फायदा यूजफुल रहे उनके लिए. Who was the founder of Bluetooth? अब आपको बताना है यहाँ पे कि जो Bluetooth के founder हैं वो कौन है. एरिक्सन है, मार्टिन कूपर है, स्टीव जॉब्स हैं और एप्पल हैं. अब देखिए यहां पर एक्चुअल में ये कंपनी, देखो यहां पे एक्चुअली एरिक्सन कंपनी भी था, एरिक्सन. यहाँ पे क्या होगा आंसर, क्या होगा आपका, एरिक्सन होगा. क्या होगा आपका, एरिक्सन ब्लूटूथ के आपके फाउंडर हैं. और ब्लूटूथ के बारे में दो तीन बातें और नोट कर लीजिएगा. ब्लूटूथ कौन सी वेव को यूज करता है, ब्लूटूथ यूज करता है रेडियो वेव्स. किसको यूज करता है, रेडियो वेव्स का यूज करता है. ब्लूटूथ की जो रेंज होती है वो कितनी होती है माय डियर स्टूडेंट्स, वो होती है हमारी 30 feet की रेंज होती है हमारी. और ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल है, ब्लूटूथ एग्जाम्पल है पैन का, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क. क्या है आपका, पर्सनल एरिया नेटवर्क है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है. शाबाश, ठीक है. हाँ, एंटीवायरस से भी क्वेश्चन था, मैं देख रहा हूँ मेरे मोबाइल में भी आपके कमेंट देख रहा हूँ, स्क्रीन पे भी, स्क्रीन मेरे तो बिल्कुल साइड में है, तो कोई दिक्कत नहीं है. तो मैं सब चीजें आपके यहाँ पे नोट देख रहा हूँ, कोई दिक्कत होगी तो मैं बता दूंगा आपको. कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन होंगे, ठीक है. हाँ वही करवा रहा हूँ, हाँ हाँ वही प्रदीप जी, वही करा रहा हूँ मैं, ठीक है. यहाँ पे बात समझ आई. यहाँ पे तो एरिक्सन होगा हमारा, रेडियो वेव्स है, ब्लूटूथ है, किसका एग्जांपल है पेन. आपसे एग्जाम में फिर पूछ सकता है, पेन की फुल फॉर्म बता दीजिए, 30 feet, रेडियो वेव्स, ये सब चीज आ जाएगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर एट क्या है, वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, एक्सेस है, लॉग इन है, लॉग आउट है, ऑथेंटिकेशन है. देखो बच्चे वेरिफिकेशन को याद रखिएगा, यहाँ पे वेरिफिकेशन यानी वेरीफाई करना, इज ए ऑथराइज और नॉट. तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा ऑथेंटिकेशन, क्या होगा आपका ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिक है या नहीं है. तो वेरिफिकेशन इज रिलेटेड टू ऑथेंटिकेशन, ऑथराइज और नॉट, ठीक है. अगला क्वेश्चन, Which among the following is a commonly used language in Android application? अब देखिए बच्चे यहाँ पे आपको बताना है कि Android क्या है. अब देखिए यहाँ पे Android वर्ड लिखा ना, Android. अब बच्चे Android क्या है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम. तो Android हमारे क्या होते हैं, ये हमारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारा फोन बेस्ड है, फोन पर है हमारा, ठीक है. फोन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या हुआ, Android है हमारा, फोन पर बेस्ड है ये. और एक्चुअल में याद रखिएगा यहाँ पे आंसर मैं बता देता हूँ, जावा मैक्सिमम जो एंड्रॉइड, जो आपके फोन, जो आपका जिसे फोन है बच्चे, उस पे जो एंड्रॉइड एप्लीकेशंस होती हैं वो किस में बनाई जाती हैं, वो ना सी में बनाई जाती है, ना पीएचपी में, ना सी प्लस प्लस में. उसका आंसर जावा, यानी जावा स्क्रिप्ट कह लो, इसके अंदर भी जावा स्क्रिप्ट का भी यूज काफी होता है, जावा स्क्रिप्ट का यूज होता है. तो आंसर क्या होगा आपका, जावा होगा. और जावा के फाउंडर कौन है, जावा के फाउंडर है जेम्स गॉसलिंग. जावा के फाउंडर कौन है बच्चे, जेम्स गॉसलिंग.
गोसलिंग, जावा के फाउंडर कौन है, जेम्स गोसलिंग, ये भी याद रखिएगा, ये तो उतना है, लेकिन ठीक है ये चीज है। अगला क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपका 10, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑड। अब बहुत सिंपल सी बात है, आपको ऑड फाइंड करना है, विषम फाउंड करना है, जो यानी कि जो ग्रुप से बाहर है, यानी जस्ट लाइक यार ये जो ऑड होता है ना, जस्ट लाइक रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, आपको बताया ऑड वन आउट, आपको विषम उससे बाहर निकालना होता है, ठीक है। पता चल जी, देखो मेरा टारगेट आप सुनते रहिएगा, मैं फिर बार कह रहा हूँ कि जी ये आपकी एक रिवीजन है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते भी होंगे क्योंकि आप लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं, तो चीजें बस एक रिवाइज है और इस रिवीजन से आपके फुल ऑफ फुल मार्क्स आप गेन करेंगे, मेरा टारगेट ये होता है हमारा। अब सीडी डीवीडी ऑप्टिकल है, हार्ड डिस्क ऑप्टिकल है, डिस्क, अरे भाई देखो डिस्क वर्ड यहां पे भी है, डिस्क वर्ड यहां पे भी है, डिस्क यहां पे भी है, ये तीनों बच्चे आपके स्टोरेज हैं, ये तीनों आपके क्या हैं, ये स्टोरेज यानी कि परमानेंट स्टोरेज हैं, क्या है आपके परमानेंट स्टोरेज हैं, लेकिन जो अलग है वो हमारा क्या होगा, डी बायोस होगा, यानी कि बायोस की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। देखो बच्चे अगर मैं आपके सामने यहां पे फुल फॉर्म लिखूं, आपका होगा सर ये बिल्कुल सही फुल फॉर्म है, इसमें गलत क्या है, अगर मैं लिखूं आपके सामने बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम तो क्या ये सही फुल फॉर्म है, आप कहोगे जी हां, लेकिन ये सही और भी हो सकती है अगर मैं यहां पे बैक स्लैश लगा दूं, तो बेसिक आउटपुट इनपुट आउटपुट सिस्टम द बायोस जो ऑड है, यानी कि ये तीनों स्टोरेज हैं, ये आपका किस में आता है, आपका प्राइमरी स्टोरेज में, कई बार प्राइमरी क्या बच्चे ये स्टार्टअप रूटीन में आता है, रोम में काम आता है, ओके यहां तक याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन ये है कि यूएसबी इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। अब यूएसबी की बात कर रहा है बच्चे, तो यूएसबी की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, भाई यूएसबी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। अब यूएसबी के साथ साथ एक और होता है हमारा यूपीएस, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, बिना किसी रुकावट के पावर सप्लाई करना, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है, आराम से तसल्ली वक्त सुनते रहिए धैर्यपूर्वक, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ये। तो यूएसबी पेन ड्राइव होते हैं बच्चे, जिसे आप बोलते हो यूएसबी पेन ड्राइव, नहीं बोलते आप यूएसबी पेन ड्राइव, यानी कि यूएसबी पोर्ट है यूनिवर्सल, तो यूएसबी क्या है हमारा एक पोर्ट है, यानी पेन ड्राइव में यूएसबी पोर्ट का यूज किया जाता है। तो ये किसमें आता है बच्चे, ये काउंट होता है सी टर्सरी में, किसमें काउंट होता है टर्सरी में, किसमें काउंट होता है आपका टर्सरी में काउंट होता है, याद रखिएगा। जितने भी एक्सटर्नल स्टोरेज हैं, चाहे वो मेमोरी कार्ड हो, चाहे वो पेन ड्राइव हो, जो बाहर से लगाए जाते हैं एक्सटर्नल होते हैं, उसे हम अगर कैटेगरी में डिवाइड करना है तो उसे थर्ड कैटेगरी में काउंट करते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क हो गया, डीवीडी हो गया, इसे हम सेकंड में काउंट करते हैं, और जो पेन ड्राइव है या एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड है उसे हम टर्सरी में काउंट करते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी कितनी हुई, तीन, एक होती है प्राइमरी, रैम रोम हो गई, कैश हो गई, सेकेंडरी कौन सी होगी बच्चे, हार्ड डिस्क हो गई, डीवीडी हो गई, और टर्सरी कौन सी होती है हमारी, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ये याद रहेगा। तो आंसर क्या होगा, यूएसबी की फुल फॉर्म यूनिवर्सल। हाँ, अब यूआरएल की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, यूआरएल, ये यू से शुरू होने वाले हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये सब चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये तीनों चीजें आपको क्लियर है, शाबाश। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, विच प्रोग्राम इज रन बाय बायोस टू चेक द हार्डवेयर कंपोनेंट आर वर्किंग प्रॉपरली व्हाइल कंप्यूटर इज टर्न ऑन। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोग्राम बचे, कौन सा प्रोग्राम, विच प्रोग्राम इज रन बाय बायोस, यानी कि बायोस जो है बेसिकली कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करता है कि वो चेक करता है कि आपके सिस्टम में कौन कौन से हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कौन कौन से हार्डवेयर जुड़े हुए हैं। अरे सिंपल सी बात है ना बच्चे, टर्न ऑन, जैसे आपका कंप्यूटर क्या हुआ, ऑन हुआ, वो चेक करेगा कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, वो कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट जुड़े हुए हैं जो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, और बायोस की बात कर रहा है बेसिक इनपुट सिस्टम, तो आंसर क्या होगा आपका पोस्ट होगा, आंसर क्या होगा पोस्ट, क्या होगा आपका पोस्ट होगा, पोस्ट होगा। एसएमपीएस की फुल फॉर्म समझ लीजिएगा, स्विच मॉड पावर सप्लाई, क्या होगा आपका स्विच मॉड पावर सप्लाई, स्विच मॉड पावर सप्लाई, बिना किसी रुकावट के पावर सप्लाई करना, जो एसी को किसमें कन्वर्ट करेगा बच्चे, वो डीसी में, एसी को कन्वर्ट किसमें करेगा, वो डीसी में कन्वर्ट करता है। और पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट सीमोस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर आरआईपी, तो रहने दो बच्चे, रिजोल्यूशन, ठीक है, ओके, हाँ ये रेस्ट इन, हाँ बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, हाँ तो अगर बच्चे ये सब चीजें आपको समझ आ रही हैं तो सुनते जाइएगा। हाँ
तो आंसर क्या होगा, पोस्ट होगा। तो पोस्ट हो या बायोस हो, दोनों का मतलब एक ही है। और पोस्ट और बायोस किसके अंदर होते हैं बच्चे, पोस्ट एक एक्टिविटी है रोम के अंदर। तो पोस्ट, बायोस और रोम एक साथ चलते हैं, ये एक ग्रुप एक लाइन में आते हैं, ये याद रखिएगा। रोम के अंदर कौन है, बायोस, और बायोस क्या करा रहा है, पोस्ट करा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AXIFP। देखो एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट है, ये इसको कुछ आपको बता देता हूं। एक्सचेंजेबल आपका क्या है, इमेज फाइल फॉर्मेट, इसमें कुछ नहीं तो फुल फॉर्म एब्रिविएशन ही है, एक्सचेंजेबल फाइल फॉर्मेट, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा, एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा, एक्सचेंजेबल होगा, ठीक है, इमेज फाइल फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इन बैंकिंग, रेलवे एक्सेट्रा, विच कंप्यूटर आर यूज। आपको यह बताना है बैंक के अंदर और रेलवे के अंदर, अरे भाई बैंक हो रेलवे हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन भी बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन भी बोल दे तब भी एक ही बात है, कौन से कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा आंसर होगा आपका मेन फ्रेम, याद रखिएगा कि मेन फ्रेम एज ए सर्वर यूज किए जाते हैं। तो कोई भी कंपनी है, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कोई भी कंपनी है, चाहे वो रेलवे है, चाहे बैंक है, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी है, चाहे सरकारी कंपनी है, जहां पर एक वर्ड मिल जाए, जहां पर एक वर्ड मिल जाए सर्वर, यानी कि मैं टीचर हूं, मैं क्या कर रहा हूं, टीच कर रहा हूं, तो मैं टीचर हो गया। जो आपको सर्विस दे वो क्या है, हमारा सर्वर है। और सर्वर के लिए कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो दिमाग में फिट कर लीजिए, सर्वर मतलब मेन फ्रेम, सर्वर मतलब मेन फ्रेम। दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट कंप्यूटर है, क्योंकि फर्स्ट जो लार्जेस्ट है वो हमारा कौन सा होता है, वो हमारा क्या है, आपका सुपर कंप्यूटर है। अगला, विच टाइप ऑफ स्विचिंग इज यूज इन इंटरनेट। आपको बताना है कि इंटरनेट में कौन सी तरह की स्विचिंग यूज की जाती है। अब देखिए बच्चे, इंटरनेट की बात करी है, इंटरनेट की बात करी है, तो इंटरनेट के बारे में सब याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक फंडाज हैं। आपसे मैं आपको क्वेश्चन जो मैं एग्जाम में पूछ रहा है, 1969 में आया इंटरनेट, इंटरनेट पहला, सबसे पहला जो बना था वो कहां से बना था, आर्पानेट। और यहां तक कि आर्पानेट की फुल फॉर्म पूछी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, किसने बनाया था, यूएस की डिफेंस ने, ये सब आपको पता ही है, ये सब आपको पता है ना। 1969 में इंडिया में इंटरनेट कब आया था, 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995 में इंडिया में इंटरनेट आया था। और इंटरनेट को बनाने वाले का नाम क्या था, विंड सर्फ। इंटरनेट को बनाने वाले का नाम क्या है, विंड सर्फ, इन्वेंटर है ये। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, हिस्ट्री। और इंटरनेट पब्लिक होता है या प्राइवेट होता है, इंटरनेट हमारा पब्लिक होता है, इंटरनेट हमारा क्या होता है, पब्लिक होता है। और इंट्रानेट क्या होता है, आपका प्राइवेट होता है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है, आपका बोथ होता है। तो ये सब चीजें आपको बता चुका हूं। तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा, पैकेट होगा, क्या होगा, आपका पैकेट होगा, क्योंकि यहां पे स्विचिंग की बात कर रहा है। और इंटरनेट पे जो डाटा, देखो सुनना ध्यान से, इंटरनेट पे जो डाटा ट्रांसफर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, जनरली डाटा पैकेट्स होते हैं। एक बार दिमाग में फिट कर लो कि जब भी इंटरनेट की बात करता है तो इंटरनेट में डाटा क्या होता है, किस फॉर्म में होते हैं, पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं। तो कौन सी स्विचिंग होगी यहां पे, पैकेट स्विचिंग होगी, क्या होगी आपकी, पैकेट स्विचिंग होगी, ना कि टेलीफोन सर्किट और टेलेक्स, ठीक है, याद रहेगा, शाबाश। हाँ, तो आंसर क्या होगा, 15 का। हाँ, 15 का आंसर क्या होगा, 15 का। बी क्यों लिखा बच्चे, कई बच्चे, हाँ कई बच्चों ने ए लिखा है, हाँ ए लिखा है, बिल्कुल शाबाश, शाबाश, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, सभी को बच्चे बहुत, हाँ वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड। देखो बच्चे फटाफट, हाँ आगे चलते हैं, वन बाय वन, हाँ आगे चलते हैं। एआरपी, एआरपी एक एब्रीवेशन है, एआरपी है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, याद रखिएगा, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये एक इंपॉर्टेंट है एब्रीवेशन है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होगा आंसर। तो एक एब्रीवेशन है। 17, विच इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन मेमरी एंड ALU। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन को अगर बात करें तो यहाँ पे मेमोरी एंड ALU की बात कर रहा है। तो आप सभी को पता है, आप सभी को पता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि सीपीयू के कितने कंपोनेंट बताए थे, यहाँ पे CU बताया था, यहाँ पे ALU बताया था, और तीसरा हमने क्या बताया था, रजिस्टर बताया था, तीसरा हमने क्या बताया था, रजिस्टर बताया था। और ये सीधा लिंक किससे रखता है, ये सीधा लिंक लगता है आपका रैम से, ये भी तो पता है आपको, ऑलरेडी पता है यहाँ पे। हाँ, अब वो कह रहा है कि बच्चे बिटवीन मेमोरी की बात करें और ALU की बात करें, इसमें दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, यानी कि इनके बीच में, चाहे रजिस्टर के बीच में, ALU के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, एक्चुअली में इसे कंप्यूटर की मेमोरी, सीपीयू की मेमोरी कहा जाता है, इसे कंप्यूटर की मेमोरी कहा जाता है रैम को, और इसे कहा जाता है सीपीयू की मेमोरी, सीपीयू की मेमोरी रजिस्टर है। तो इनको कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट, याद रखिएगा यहां पे आंसर क्या होगा, कंट्रोल यूनिट होगा, जो उनको क्या कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है, शाबाश।
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हु इन्वेंटेड कीबोर्ड। अब कीबोर्ड के इन्वेंटर का नाम बता दीजिए। अरे भाई कीबोर्ड के इन्वेंटर का नाम है क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। ऐसे बच्चे और दूसरा याद रखिएगा डगलस, डगलस एंजल बर्ट, डगलस एंजल बर्ट, डगलस एंजल बर्ट जो है ये किसके इन्वेंटर है, ये हमारे माउस के इन्वेंटर है और ये कीबोर्ड के इन्वेंटर है। दोनों इन्वेंटर आपको याद होने चाहिए, नोट कर लो ये एक बार, बस एक रिवाइज है, दिमाग में फ्रीज हो जानी चाहिए बस वन टाइम में। हाँ ओके हाँ बच्चे कट ऑफ देखो ये आप लोग ना ये जो मैं जो बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना, जो मैं जो एक बार लिख लिया करो बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कमेंट पे ध्यान कम दे रहा हूँ। कट ऑफ बच्चे हमेशा ऐसे नहीं, तो कट ऑफ हमें डिपेंड करती है एग्जाम के उस पे कि एग्जाम की स्ट्रेंथ कितनी, मतलब सॉरी एग्जाम का लेवल क्या है। ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है बच्चे, आप बिना एग्जाम दिए कैसे बता सकते हैं, ठीक है, जब वो बाद में डिपेंड करता है कितने बच्चों के। हाँ विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज ए बायोस, बायोस किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, बायोस की बात की बच्चे याद रखिएगा, बायोस जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होगा नहीं, सेकेंडरी होगा नहीं, तो ऑप्शन अकेला यही बचता है आपका, आंसर क्या होगा आपका प्राइमरी होगा, ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा प्राइमरी होगा, क्या होगा आपका प्राइमरी में काउंट होगा, बायोस में क्या होता है प्राइमरी, ठीक है। अगला Which among the following is responsible for specifying address of a memory location? आपको ये बताना है, आपको ये बताना है। अच्छा 31 hexadecimal से decimal conversion। देखो देखो एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको, अभी मैं बताता हूँ 31 है, मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है कि 31 hexadecimal से, ये क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है बच्चे 31 hexadecimal से आपका decimal conversion, ये मेरे को याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है, ये मैं बता दूंगा अभी, अभी बताता हूँ आपको। देखिए तो पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्पेसिफाइंग एड्रेस ऑफ मेमोरी। देखो यहाँ पे दो वर्ड है, एक है हमारा वर्ड आया एड्रेस और यहाँ पे क्या है मेमोरी लोकेशन, तो इसे कहते हैं एड्रेस बस, क्या कहते हैं एड्रेस बस। बच्चे जब डाटा ट्रांसफर होता है ना दो कंपोनेंट के बीच में, अगर हम बात करें जो जो कंप्यूटर के जो कंपोनेंट हैं, मदरबोर्ड पे भी कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट के जो डाटा ट्रांसफर होता है वो बस इसके थ्रू होता है, लेकिन यहाँ पे बात किसकी कर रहा है बच्चे, वो एड्रेस की बात कर रहा है, एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, यानी कि वो बस जो एड्रेस लेके जाए, तो सिंपल है बच्चे यहाँ पे, या तो सिंपल बस होता अगर यहाँ पे ये एड्रेस का कंट्रोल ना होता, सिंपल बस होता तो आंसर क्या होता बस होता, लेकिन पहले ही बोल दिया उसने एड्रेस की बात कर दी है, तो एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन कि आपका डाटा किस मेमोरी लोकेशन है उस पर उसका एड्रेस लेके जाए, तो हम क्या कहेंगे एड्रेस बस, क्या होता है एड्रेस। हाँ अगर वो कंट्रोलिंग की बात करता है, टाइमिंग सिग्नल की बात करता है, रीड एंड राइट, तो उसे हम कंट्रोल बस कहते हैं, ठीक है, ऐसे समझे, तो आंसर क्या होगा आपका वहां पर एड्रेस बस। अगला क्या है आपका, हाँ Which among the following is responsible for finding and loading operating system into the RAM? आप भाई RAM के अंदर, RAM के अंदर किसको लोड करना है ऑपरेटिंग सिस्टम को, अरे भाई RAM के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना ही तो बूटिंग कहलाता है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, ऑपरेटिंग सिस्टम का RAM के अंदर लोड करना ही बूटिंग कहलाता है। एक्चुअली बूटिंग की बात कर रहा है भाई, कि बूटिंग करवाता कौन है, यानी उसके लिए जिम्मेवार कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, यानी बूटिंग करने के लिए, याद रखिएगा वो कह रहा है, ध्यान समझिएगा वो क्या कह रहा है कि बूटिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो आंसर यह होगा, आंसर क्या होगा आपका, तो ये बूटिंग की बात कर रहा है हमारा, और बूटिंग के लिए कौन सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल होता है, बूट स्ट्रैप लोडर, और ये भी मिलेगा किसके अंदर, रोम के अंदर, इसलिए रोम को स्टार्टअप मेमोरी कहा जाता है। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, क्या होगा आपका बूटस्ट्रैप लोडर, बूटस्ट्रैप लोडर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टिफ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टिफ, क्या होगा टिफ का, क्या टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, क्या होगा आपका टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, आंसर क्या होगा बी, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ये होगा आपका आंसर, ठीक है यहां तक। अगला क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर रिजोल्यूशन मेजर, अभी वो कंप्यूटर के रिजोल्यूशन की बात कर रहा है, तो एक्चुअल में ये बात किसकी कर रहा है, ये मॉनिटर के रिजोल्यूशन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है मॉनिटर के रिजोल्यूशन की बात कर रहा है, या पिक्चर की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ पिक्सल्स, नंबर ऑफ पिक्सल्स, आंसर क्या होगा नंबर ऑफ पिक्सल्स होगा, नंबर ऑफ पिक्सल्स होगा, ठीक है क्लियर यहां तक। हाँ 23 का, 23 का बी शेप ऑफ स्क्रीन क्यों होगा भाई, देखो यार आप लोग बी आंसर दे दें आंसर, ठीक है। हाँ 23 का बी, अब देखो आपने लिखा ना स्क्रीन, शेप ऑफ स्क्रीन, शेप ऑफ स्क्रीन, आप लोग बी, हाँ सी क्यों नहीं, सी तो बोला भी है, ठीक है।
हाँ सी बच्चे, रिजोल्यूशन की बात करें ना तो याद रखना बच्चे, जब भी एक वर्ड याद रखना, जब भी एक वर्ड है अगर बच्चे क्वालिटी की बात कर रहा है, क्वालिटी या रिजोल्यूशन की बात करता है तो दोनों का मतलब एक ही है, क्वालिटी या रिजोल्यूशन की बात करता है तो दोनों का मतलब एक ही है। और यहां पे याद रखिएगा, यहां पे पिक्सल्स होते हैं, यहां पे ये स्क्रीन की बात करे, यहां पे स्क्रीन की बात करे तो पिक्सल्स हैं, और यहां पे डॉट्स की बात करे तो क्या है, जब वो क्या है आपका प्रिंट आउट है, जब वो आपका प्रिंट आउट है, हार्ड कॉपी है तो डॉट्स हैं और स्क्रीन है पिक्सल्स हैं, तो क्वालिटी दोनों की है। तो क्वालिटी बात करें तो अगर वो स्क्रीन की बात करता है तो क्वालिटी वाइज वो पिक्सल्स में काउंट होते हैं, अगर वो प्रिंट आउट की बात करता है, वो हार्ड कॉपी की बात करता है तो डॉट्स में काउंट होते हैं, ये याद रखिएगा। तो यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ पिक्सल्स होगा, ठीक है। अगला 24, विच टर्म इज रिलेटेड टू डेटाबेस, आपको बताना है इनमें से कौन सी टर्म जो है वो डेटाबेस से रिलेट करती है। देखो पीएचपी एक लैंग्वेज है, जावा एक लैंग्वेज है, असेंबली एक लैंग्वेज है, और एक देखो ओरेकल जो है, ओरेकल हमारा काउंट होता है RDBMS में, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और आंसर हमारा फिर क्या होगा, आंसर है होगा हमारा सी, आंसर हमारा सी होगा ओरेकल, यानी कि डेटाबेस से रिलेटेड जो है हमारा डेटाबेस को कंट्रोल कौन करता है, RDBMS, DBMS करता है ना, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो 24 का आंसर क्या होगा आपका, 24 का आंसर क्या होगा आपका, ओरेकल, ठीक है। अगला क्वेश्चन शाबाश 25, क्वेश्चन नंबर 25, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑड वन, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑड है, इनमें से कौन सा ऑड है, रैम, रोम, कैश और हार्ड डिस्क, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ ऐसे ही बताइए जल्दी, क्या कौन सा क्वेश्चन होगा आपका, इनमें से कौन सा बताना है कि ऑड है, कौन सा ऑड है, जल्दी से बताइए आपका, मैं आपको ही वेट कर रहा हूं यहां पे। हाँ हाँ सी, यहां पे क्या होगा जल्दी बताइए, रिलेशनल डेटाबेस में, हाँ बिल्कुल, हाँ कैश, तो भाई यहां पर हाँ रैम, रोम, कैश ये तीनों जो है ये किस मेमोरी में काउंट होती हैं, ये काउंट होती हैं आपकी प्राइमरी में, और ये आपका अकेला हार्ड डिस्क है, तो आंसर यहां पे क्या होगा, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क है राइट आंसर, जो किसमें काउंट होता है आपका बेचारा सेकेंडरी में आ जाता है, एक्सिलरी में आ जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इमेज नेम एक्सटेंशन, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा इमेज की एक फाइल है, इमेज नेम का एक्सटेंशन है, डॉक्स पता है, डीओसी है, ये आपका किसका है, एमएस वर्ड का, ये तो पता ही आपको याद होना चाहिए, ये एमएस वर्ड का है, पीपीटी आपका पावर पॉइंट है, लाइब्रेरी फाइल हो गया, तो इसका आंसर जो होगा आपका वो है AGIF, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है ये याद रखिए, GIF, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। चलिए आपका एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ठीक है, मैं सबसे पहले आज अब मैं कमेंट देखूंगा बच्चे इस क्वेश्चन के लिए, मुझे इसका आंसर बताइए क्या हुआ, इनमें से नॉट ए वेब ब्राउजर, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, 27 का आंसर क्या होगा, 27 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए, कौन सा नॉट वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर नहीं है, 27 का आंसर बताइए, ठीक है ओके शाबाश, तो कमेंट आने शुरू हो बच्चे आपके, हाँ सर सी सी, हाँ 27 का आंसर क्या होगा, 27 का ए डी बी, अच्छा एक्चुअली बच्चे यहां पर देखो, यहां पर आपने क्या किया कि बच्चे क्या कर रहे हैं, जिन्होंने सुना नहीं है वो आपका वेब ब्राउजर नहीं है, तो भाई आपने सुना तो भाई एज को सुना होगा, ब्रेव को नहीं सुना होगा, विवाल्डी को नहीं सुना होगा, कैशे को नहीं सुना होगा, तो आप कैसे डिसाइड, ब्राउजर वेब ब्राउजर की बात कर रहा है ना, यहां पर किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है भाई वेब ब्राउजर नहीं है नॉट, तो आप सुन लीजिएगा, हम तो सुन लीजिएगा यहाँ पे एज इज ए सर्च इंजन, अरे नहीं 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 शिखा मिश्रा जी, एज इज ए नॉट ए सर्च इंजन, अब भाई कमाल करते हो आप भी हैं, ये सारे के सारे बच्चे, ये सारे के सारे जो विवाल्डी है, एज है, ब्रेव है, दीज आर द वेब ब्राउजर, और वेब ब्राउजर अलग होता है, सर्च इंजन अलग होता है, वेब ब्राउजर सर्च इंजन अलग होता है, गूगल क्रोम इज ए वेब ब्राउजर और गूगल इज ए सर्च इंजन, अरे भाई सर्च इंजन एक स्पेशल वेबसाइट है, प्रोग्राम है जो दूसरे वेबसाइट या वेब पेज को सर्च करता है, वेब ब्राउजर क्या होता है जिससे आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट ब्राउज करते हैं, जितने वेबसाइट को ओपन करते हैं, आप समझ आए,
अरे दुनिया के सारे लोग भारत में रहते हैं तो भारत एक वेब ब्राउजर इस्तेमाल लो, और हर एक में से कुछ व्यक्ति ऐसे हैं भारत में जो आज सर्च इंजन काम करते हैं, जो दूसरे व्यक्तियों को सर्च करते हैं। अब समझ आया? तो वेब ब्राउजर पहले आया, सर्च इंजन बाद में आया, ये याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ? तो आंसर क्या होगा ये ब्राउजर, तो आंसर क्या होगा? कैशियो। कैशियो इज नॉट ए वेब ब्राउजर। हाँ, तो जिनका आंसर डी था, जिनका आंसर डी था वो राइट आंसर है। एज जो है, एज ये माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउजर है, याद रखो। कितनी बार मैंने आपको बताया है, ऐसी गलती मत किया करो। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउजर है ये माइक्रो, तो ये सारे वेब ब्राउजर है। ब्रेव, एज, विवाल्डी। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विच इज ऑड वन, आपको बताना है बच्चे इनमें से विषम ऑड कौन सा है, विषम कौन सा है। देखिए ऑड बताना है, हब, स्विच, राउटर और पैकेट, आप बताइए। चलो इसका बताइए आंसर क्या होगा, इसमें से आपको ऑड बताना है, इनमें से क्या बताना है बच्चे? ऑड बताना है। विच इज ऑड वन, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑड है, इनमें से कौन सा ऑड है। देखिए बच्चे, जो ऑड की बात करता है यहां पे, देखो हब है, स्विच है, राउटर है, दीज आर द नेटवर्क डिवाइसेस। ये क्या है? ये नेटवर्क के क्या है? नेटवर्क के क्या है? डिवाइसेस हैं बच्चे, ये क्या है? नेटवर्क के क्या है? डिवाइसेस हैं, ये क्या है? लेकिन जो पैकेट है, आंसर क्या होगा यहां पे? पैकेट होगा, ये डाटा का फॉर्मेट है, ये भूलना मत। ये डाटा का क्या है? एक फॉर्मेट है। डाटा किस फॉर्म में जा रहा है? और फिर बता रहा हूं, अगर आपसे कोई पूछता है, आपसे कोई पूछता है कि जो राउटर होते हैं, जो राउटर होते हैं या डाटा होते हैं, वो किस फॉर्म में डाटा को लेके जाते हैं? वो पैकेट्स के फॉर्म में लेके जाते हैं। डाटा राउटर कह लो या पैकेट के फॉर्म में लेके जाते हैं, याद रहेगा, पैकेट्स के फॉर्म में। ठीक है, 28 का आंसर क्या होगा? डी, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 29, फर्मवेयर, आपको बताना है कि फर्मवेयर क्या है, फर्मवेयर स्टोर कहां होता है? रैम, कैश, रोम और हार्ड डिस्क। अगर देखो बच्चे फर्म की बात करते हैं तो कंपनी को ही देखो, इसको ऐसे याद रखना, कंपनी कोई भी कंपनी है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फर्म। कंपनी को क्या कहते हैं? अरे फर्म कहते हैं। और फर्म के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? फर्मवेयर कहलाता है। और ये होता क्या है, सुन लो, परमानेंट सॉफ्टवेयर। इसको एक लाइन में याद रखिएगा, परमानेंट सॉफ्टवेयर, परमानेंट सॉफ्टवेयर है, और जो फिक्स इनटू अ हार्डवेयर, फिक्स इनटू हार्डवेयर, जो हार्डवेयर के अंदर फिक्स है उसे हम क्या कहते हैं? फर्मवेयर कहते हैं, कंपनी। तो आंसर क्या होगा? रोम होगा, आंसर विल बी रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो याद रख लो यह बात यहां पे, हम तो रोम। हाँ, 28, हाँ 29 का आंसर क्या होगा आपका? 29 का आंसर होगा रोम। 29 का आंसर क्या होगा आपका? रोम होगा। अरे कैश क्यों होगा? कई बच्चे कैश लिख रहे हैं यहां पर, ऐसा नहीं, याद रखिएगा रोम। तो रीड ओनली मेमोरी है ना, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि वो मेमोरी जो किसी हार्डवेयर में अटैच है, इम्बेडेड है। अब सुन लिया, हार्डवेयर में, अरे फोन है ना, फोन में जो पहले से ऐप आते हैं, आपके फोन में जो पहले से ऐप आते हैं वो फिक्स है ना, जिसे आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो कंपनी बना के दे रही है, दैट्स कम्स अंडर रोम, रीड ओनली मेमोरी, फर्मवेयर, उसे हम क्या कह सकते हैं? फर्मवेयर। तो फर्मवेयर का एग्जाम्पल क्या होगा आपका? रोम होगा। ठीक है, मेरी क्वेश्चन कॉन्फिडेंस लो कर रहे हैं? अरे नहीं भाई, लो थोड़ा कर रहे हैं, मैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने आया हूँ। अरे भाई देखो कितना आराम से मैं, एक्चुअली हर एक चीज को एंजॉय लेके करा करो बच्चे। कंप्यूटर क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, आंसर एंजॉय करके तसल्ली से। हाँ, और बिल्कुल बेचैनी में आंसर मत देना, गड़बड़ हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अब भाई नॉट वर्ड बोला है, नॉट, नॉट मैलेशियस। अरे मैलेशियस बैड होता है या वो अच्छा होता है? मैलेशियस मतलब बैड। भाई आपको बताना है इनमें से कौन सा जो सॉफ्टवेयर है जो मैलेशियस नहीं है। Not बोला ना, नॉट ए मैलेसियस, ठीक है, तो मेल फंक्शनिंग, मेल न्यूट्रिशन, तो मेल वर्ड तो बच्चे बुरा ही होता है। अब वॉर्म मैलेसियस है, जी हाँ, ट्रोजन है वो भी मैलेसियस है, वायरस है मैलेसियस है, तो आंसर क्या होगा? ड्राइवर। आंसर क्या होगा? ड्राइवर का मतलब यहां पे क्या है? डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर इज ए सॉफ्टवेयर, याद रखिएगा, डिवाइस ड्राइवर इज ए सॉफ्टवेयर। और ये कौन से सॉफ्टवेयर में काउंट होते हैं? ये काउंट होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में। किसमें काउंट होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर में काउंट होते हैं। इट इज नॉट ए मैलेसियस, ये मैलेसियस नहीं होते, इनका यूज होता है जैसे प्रिंटर के ड्राइवर, जैसे प्रिंटर के ड्राइवर बोलते ना, प्रिंटर के ड्राइवर, माउस के ड्राइवर, कीबोर्ड के ड्राइवर, तो ये सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है। बट दीज वॉर्म, ट्रोजन, वायरस, ये आपके मैलवेयर हैं, ये सब, बाकी सारे क्या हैं हमारे, ये मालवेयर में काउंट होते हैं, मैलेसियस में काउंट होते हैं। ओके, ठीक है, क्लियर आते?
हाँ, तो हर चीज आपको बतानी समझानी है, डोंट वरी। मैं आपको यहाँ पे नंबर सिस्टम भी अभी थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में बता दूंगा, जो देखते ही क्वेश्चन आपका निकल जाएगा, आंसर रहेगा आप सर। ठीक है, बात समझ रहे रजनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपको समझ आया क्लियर यहाँ तक? हाँ, विच इज द एक्सटेंशन ऑफ बैच फाइल। अरे भाई बैच फाइल, अरे बैच माने क्या होता है, बैच माने क्या होता है, अरे बैच से BAT से याद रखना, BAT बैट ही रहा हमारा बैच। बैच फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट बैट। अरे बैट में यार BAT ले लिया ना, बैच फाइल कुछ सोचना ही नहीं यहाँ पे। EXE फाइल, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। EXE को बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल, एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन जो होता है वो क्या होता है आपका, .exe। आंसर यहाँ पे बैच है तो बैट होगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट कैन नॉट बी पार्ट ऑफ अ हेक्साडेसिमल डिजिट। अब देखिएगा, अब एक बच्चे का क्वेश्चन था यहाँ पे, आपने पूछा है कि नॉट, ये नॉट वर्ड आ गया और आपको बोला हेक्साडेसिमल का जो पार्ट डिजिट का पार्ट नहीं होता। आंसर है आपका, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका 32 ALFE, आपको बताना है इनमें से कौन सा हेक्साडेसिमल का पार्ट नहीं है। तो सुन लीजिएगा, सुनिएगा, यहाँ पे जब भी हम बात करें हेक्साडेसिमल की, सुनना ध्यान से, हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है, हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो कितना होता है, आपको बताया आपको 16 होता है। कितना होता है, 16। और जिसका रेंज होता है, जिसकी रेंज जो होती है हमारी, वो 0 से लेकर 9 तो होती है, फिर ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है, और फिर एफ है, यानी कि 10, 11 और ये 12 और ये 13, ये 14 और ये हमारा 15। कहने का मतलब ये है जैसे ही सिंगल से डबल डिजिट होता है उसे हम सिंबल दे देते हैं, तो ये एफ तक काउंट होता है। कहां तक होता है, एफ तक। और यहाँ पे ए भी है, एफ भी है, ई भी है, लेकिन एल नहीं होता। तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा, बी, एल नहीं होता। अब एक बच्चे का क्वेश्चन था, एक बच्चे का क्वेश्चन था यहाँ पे कि सर 31 है, अगर 16 है तो इसे काउंट किसमें करना है, 10 में करना है। तो सिंपल सी बात है, जिस बेस को 10 में काउंट करना होता है उसके अंदर टोटल वैल्यू देखो कितनी है, 2 वैल्यू है। उस बेस को जिसको 10 में काउंट करना है कितनी बार लिखना है, जितनी अंदर वैल्यू है, जितनी अंदर वैल्यू 2 बार है, 3 और 1 2 वैल्यू है। तो 16 को मैं 2 बार लिखा, पावर राइट साइड से 0 1 लिखो, और 3 और 1 को क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, पैरेलल मल्टीप्लाई। 16 पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, ये कितना हुआ, 1 हुआ, और ये 16 into 3 48 हो गया, प्लस 1 कितना हो गया, 49। आंसर कितना हो गया, 49। तो आंसर कितना होगा बच्चे, 49। तो आपका आंसर मिल गया होगा, एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बात समझ आ गई यहां पे। हाँ, याद रखिएगा, मैं सिंपल से बस एक मिनट के एक कुछ सेकंड में बता के आगे चलता हूं। जिस बेस को 10 में कन्वर्ट करना होता है, दुनिया का कोई भी बेस, चाहे वो 16 हो, चाहे 8 हो, चाहे 7 हो, 4 हो, कुछ भी हो, उसे 10 में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, तो उस बेस को जितनी अंदर वैल्यू होती है उतनी बार लिखना होता है। और राइट साइड से पावर 0, 1, 2 एक और होता है, तो पावर 2 हो जाता है, एक और होता है, 3 हो जाता है। और क्यों लिखना उतनी बार, क्योंकि मुझे यही वैल्यू उसके पहले लिख करके मल्टीप्लाई करके लास्ट में क्या करना है, प्लस या जमा करना होता है, और आंसर हमारे सामने होता है। बस ये शॉर्ट है, मैं फॉर्म में समझ लीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके, याद रहेगा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या है, 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिजिट वी कैन यूज इन ऑक्टल सिस्टम। आप देखो अगला क्वेश्चन आ गया ऑक्टल सिस्टम में, ऑक्टल मतलब कितने सिस्टम है, 8। 8 में वैल्यू कितनी होती है, 0 से लेकर 7 तक। तो मैक्सिमम वैल्यू, देखो मैक्सिमम डिजिट पूछा है ना, तो आंसर क्या होगा आपका, 7 होगा यहाँ पे, यानी कि मैक्सिमम कितना होगा आपका, 7 हो सकता है। 7 से ऊपर जा ही नहीं सकता क्योंकि फिर वो ऑक्टल नहीं रहेगा। हाँ, अगला अगला क्या होगा आपका, हाँ ठीक है, रवि जी कोई दिक्कत नहीं है, रवि जी इसको रिवाइज कर लीजिएगा, मेरी से शब्दों को सुनिएगा तो समझ आ जाएगा, बस एक बार थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कराने प्रैक्टिस है। ठीक है, देखो यहां पे लिखा हुआ है, सो एंड देम इग्नोर। ठीक है, आगे क्या है बच्चे, यहां पे देखो, अब ये कि इन डेटाबेस टेबल व्हाट कॉलम रिप्रेजेंट, आपको बताना है डेटाबेस में, जो डेटाबेस के अंदर जो कॉलम होते हैं, डेटाबेस में जो कॉलम होते हैं
वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम दिखा, तो आंसर क्या है, वो आपका एट्रीब्यूट होगा। याद रखिएगा डेटाबेस के अंदर जो होता है रोल नंबर होता है, याद रखिएगा रोल नंबर है, नेम है, फादर नेम है, एज है, एड्रेस है, इसे हम कॉलम नेम कहते हैं, इसे आप कॉलम जिसे फील्ड कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कॉलम को हम क्या बोलते हैं, कॉलम को हम कहते हैं फील्ड। और फील्ड का दूसरा नाम क्या है, एट्रीब्यूट होता है। याद रखिएगा किसी भी टेबल में जो कॉलम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फील्ड। और फील्ड का जो टेक्निकल नेम है दैट्स कॉल्ड एट्रीब्यूट। क्या है वो आपका एट्रीब्यूट। तो आंसर क्या होगा आपका, एट्रीब्यूट होगा। क्या होगा आपका, एट्रीब्यूट। और याद रखिएगा रिलेशन वर्ड है, रिलेशन किसको कहते हैं, टेबल को हम रिलेशन कहते हैं। और ये तो बाकी बात रहने दीजिए, इंडेक्स वो अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, मॉनिटर की बात करता है तो मॉनिटर को कहते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसको हम क्या बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। आंसर क्या होगा आपका, VDU। क्या होगा आपका, VDU। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है आपका, 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, हाउ कैन यू एक्सेस द फॉन्ट साइज टूल ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार। आपको ये बताना है, ध्यान समझिएगा, ठीक है, आपको ये बताना है आपको कि फॉर्मेटिंग, देखो यहां पे देखो मुझे फॉन्ट लिखा है, फॉन्ट, तो ये फॉन्ट की बात कर रहा है। देखो फॉन्ट की बात करता है किसमें, एमएस वर्ड में, फॉन्ट की बात कर रहा है एमएस वर्ड में, एक्सेल की बात कर रहा है। तो इसकी शॉर्टकट की वैसे आपको मैंने बताई है, वो होती है कंट्रोल प्लस डी। याद रखिएगा कंट्रोल प्लस डी किसके लिए होती है, हमारी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन आती है वो कौन से शॉर्टकट की पर है, वो कंट्रोल डी है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल डी तो है ही नहीं। तो आपको बताइए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे आप, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एस, कंट्रोल प्लस के पी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस के पी, कंट्रोल प्लस एस, बताइए जल्दी क्या होगा। ठीक है, क्या होगा बताइए यहाँ पे, हाँ, तो क्या हुआ यहाँ पे, आंसर क्या होगा, याद रखिएगा कंट्रोल शिफ्ट के साथ पी, कंट्रोल शिफ्ट के साथ पी, ये भी याद रखिएगा, ये कंट्रोल सही है आपके, एक तो एक शॉर्टकट की ये भी है और एक शॉर्टकट ये भी, दोनों आपकी सेम है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, बाय डिफॉल्ट वर्ड ऑटोमेटिकली फॉर्मेट ईच हेडिंग इन ए टेबल ऑफ कंटेंट्स। आपको बताना है कि डिफॉल्ट रूप से वर्ड में जो आप, देखो सिंपल सी बात है, एमएस वर्ड के अंदर जो आप हेडिंग डालते हैं बाय डिफॉल्ट वो किस में लेता है, वो लेता है याद रखो हाइपरलिंक में। याद रखिएगा जो हेडिंग्स होती हैं बाय डिफॉल्ट को वो किस में ले लेता है, वो हाइपरलिंक में ले लेता है, ये एमएस वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट, याद रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, इन एक्सेल टिपिकल वर्कशीट हैज डैश नंबर ऑफ कॉलम, जल्दी बताइए एक्सेल के अंदर कितने कॉलम कितने रो होते हैं आज की डेट में, बताइए एक्सेल के अंदर कितने रो कितने कॉलम होते हैं, एक्सेल के अंदर कितने रो कितने कॉलम होते हैं। 37 का क्या होगा, सी हाँ बिल्कुल सही है, तो आंसर दिया 38 का बताइए। इन एक्सेल टिपिकल वर्कशीट नंबर ऑफ कॉलम्स 512, तो 56,024, आंसर होगा 16,384। याद रखिएगा आज जो एक्सेल है बच्चे, याद रखिएगा जो आज का जो मार्केट में जो एक्सेल है, जो एडवांस एक्सेल हमारी चीजें आ रही हैं, उसके अंदर कितने कॉलम हैं, याद रखिएगा वो है 16,384 कॉलम है। और रो कितने हैं आपके, रोज हैं हमारे 10,48,576। ये एक शीट की बात कर रहा हूं बच्चे, एक्सेल के अंदर वन शीट के अंदर बच्चे, और रो जो है वो वन से काउंट होती हैं, 10, 48, 5, 7, 6 तक काउंट होंगी, और जो आपका कॉलम है वो ए से शुरू होते हैं और कब तक जाते हैं बच्चे, XFD, द लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम नेम, द लास्ट कॉलम नेम इन एमएस एक्सेल, आंसर विल बी XFD। क्या होगा आपका, XFD होगा। 38 का क्या होगा आपका, डी, याद रहेगा, शाबाश। 39, इन एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज विल एक्सेल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो फॉर्मूला है जो कि आपका कैलकुलेट नहीं करेगा। देखिए चलिए बताइए 39 का आंसर, 39 का आंसर आपका वेट कर रहा हूं, 39 में आंसर बताइए क्या होगा, 39 का आंसर क्या होगा। ठीक है, क्या होगा जल्दी बताइए, 39 का आंसर क्या होगा।
क्या होगा जब 39 का आंसर क्या होगा, 39 का आंसर क्या होगा, 39 का बी, अच्छा 39 का बी आंसर होगा यहाँ पे, हाँ 39 का बी है यहाँ पे, सब सी दे रहे हैं। देखो एक चीज याद रखना चाहिए यहाँ पे, फॉर्मूला की बात करें सम, ये आपका सेल्स है ए थ्री है, देखो ये तो आपका सम ए वन से ए फाइव, ए वन से ए फाइव है कि नहीं है, है यहाँ पे ठीक है। क्या लिखा है दोबारा पढ़ो, इन एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला विल एक्सेल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट, वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, अब जल्दी बताइए फटाफट। देखो बच्चे एक चीज याद रखना, ये सेल्स लिखा है ना यहाँ पे, सेल्स लिखा है बच्चे, सम जो होता है बेसिकली यहाँ पे सेल्स किसका सम करेगा ठीक है, यहाँ पे कॉलम नहीं आएगा, यहाँ पे आपको रेंज डिफाइन करना होता है, याद रखिएगा सम के अंदर आपको रेंज डिफाइंड करना होता है, सम के अंदर आपको रेंज डिफाइंड करना होता है ठीक है। तो एक्चुअल में आंसर क्या होगा आपका, डी होगा, क्योंकि आपको रेंज आपने डिफाइन नहीं किया है, आपको आपने यहाँ पे रेंज डिफाइन नहीं किया है, सम के अंदर आपको रेंज डिफाइन करना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40, इन एक्ट, देखो जी ये थोड़ा सा आपका, ये आपके नॉलेज के लिए है, इन देखो पहले आईटी एक्ट कब आया था, 2000 में आया था, विच सेक्शन डील विद द पनिशमेंट फॉर द साइबर टेररिज्म, जो साइबर टेररिज्म होता है उसके लिए आपका कौन सी धारा है बच्चे, आपका कौन सा पनिशमेंट है आपका, सेक्शन है आपका 66F, ये याद रखिएगा। मेथोडोलॉजी फॉर द डिलीवरी ऑफ द वॉइस एंड मल्टीमीडिया सेशंस ओवर द इंटरनेट कॉल्ड, आपको बताना है, आपको क्या बताना है कि आपका वॉइस और मल्टीमीडिया सेशन ओवर द इंटरनेट क्या कहलाएगा, TCP/IP, UDP, VOIP क्या होगा। देखो वॉइस की बात कर रहा है, इंटरनेट है तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होगा, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन 42, विद रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटर, देखो इतनी लंबी बात यहां पे पढ़ लो आप, इसमें क्या कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है ठीक है ठीक है। हाँ जल्दी बताइए बच्चे इसका आंसर क्या होगा, हाँ देखो बच्चे यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे ये कह रहा है कि एक CUI की बात कर रहा है, एक बात किसी कर रहा है GUI की बात कर रहा है, एक CUI की बात कर रहा है GUI की, तो कमांड यूजर इंटरफेस होता है, एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, तो कमांड यूजर इंटरफेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में फर्क सिर्फ इतना है कि जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जहां पे जैसे मोबाइल है मैं टच कर रहा हूं यहां पे, तो यूजर फ्रेंडली होता है, इसे एक्सेस करना आसान होता है, इसका यूज करना आसान होता है, तो सिंपल सी बात है इजियर टू यूज, देखो लिखा ना कि नॉन एक्सपर्ट जो है वो व्यक्ति उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये तो कह रहा है भाई कंप्यूटर के संबंध में कमांड लाइन इंटरफेस की तुलना में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की तुलना का मुख्य लाभ क्या है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर जो GUI का एडवांटेज पूछा है बच्चे, देखो एक वर्ड देखो यहां पे एडवांटेज पूछा है किसका, GUI का, किसके ऊपर, कमांड लाइन के ऊपर, तो ये इजियर टू यूज है, इजियर टू यूज है, याद रहेगा, हाँ बी होगा शाबाश। हाँ द बेसिक फ्री वर्जन ऑफ जूम, देखो जूम मीटिंग है आपने देखा होगा ऑनलाइन में, जूम मीटिंग है बच्चों को स्कूल में क्लासेस दी जाती है, तो जो जूम एप्लीकेशन है उसमें क्या है आपका ऑनलाइन जो क्लास होती है वो हाउ मेनी मिनट के लिए क्या है आपका फ्री है, वो आपका क्या है हाउ मेनी मिनट के लिए फ्री है, उसके बाद वो चार्जेबल है ठीक है, वो आपका क्या होता है चार्जेबल है, तो आंसर क्या होगा आपका 40 मिनट्स, कितना होगा आपका 40 मिनट्स होगा ठीक है। 42 का आपका क्या होगा आपका 43 का भी बी आंसर होगा, याद रहेगा। देखिए बच्चे फिर मैं कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन में लेके आऊं थोड़े से कई बार हटके लाया हूं, कुछ ऐसे क्वेश्चन लाया हूं और ये नॉर्मल क्वेश्चन में काउंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको डीप पढ़ा रहा हूं, बच्चे डीप तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है अभी आपको, इसलिए मैं आपके एग्जाम के लेवल यानी कि एग्जाम का लेवल इतना ही आ रहा है ना, इससे मतलब इससे ज्यादा तो आ ही नहीं रहा है, देखो सीधे सीधे क्वेश्चन है, कुछ फुल फॉर्म है, कुछ एब्रीवेशन है, वो सब चीजें आपके आ रही है यहाँ पे, याद रहेगा। हाँ 30 मिनट्स नहीं, 50 मिनट नहीं होगा बच्चे, 30 मिनट होगा। 43 का आपका बी आंसर होगा, 43 का आपका आंसर क्या होगा बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है 44 में क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ मालवेयर। हाँ अब देखो ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा फटाफट देखिएगा,
हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मालवेयर एम्बेडेड इन द प्रोग्राम ऑन कंप्यूटर दैट विल सेट अप द मैलिशियस फंक्शन व्हेन सर्टेन कंडीशन आर मेट। आपको ये बताना है कि जब देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एम्बेड किया गया जाता है, बाद में ये मालवेयर है, कुछ शर्तों को पूरा होने पर ये एक्टिवेट हो जाता है। अरे वही सीधी सी बात है, इसको मैं सिंपल वर्डों में समझा देता हूँ। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके प्रोग्राम में जुड़ा हुआ है, उसको एक कंडीशन मिल जाती है कि भाई एक कंडीशन, ऐसी कंडीशन मैंने रात को 12 बजे एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर मान लो इसके अंदर मतलब ये इतने तारीख को इतने टाइम पर एक्टिवेट हो जाएगा, समझ गए। तो जो कुछ कंडीशन पर वो है मैलिशियस, अच्छा नहीं है, वो मैलिशियस है, यानी कि ऐसा कोई वायरस, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो मैलिशियस हो और जो किसी कंडीशन के जुड़ने पर या मैट होने पर तब वो एक्टिवेट हो जाए। जैसे टाइम बम फटता है ना, अरे भाई टाइम पर फटता है, जो टाइम मिल जाता है उसको मैच कर जाता है जिस टाइम पर सेट करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लॉजिक बम। लॉजिक बम कहो या फिर टाइम बम कहो, या लॉजिक बम कहो या टाइम बम कहो, ये एक ऐसा वायरस होता है जो फिक्स टाइम पर एक्टिवेट हो जाता है, जो फिक्स टाइम पर क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज अ ब्लॉग। अब देखो ब्लॉग है, इसे वेब लॉग भी कहते हैं। देखो वेब लॉग को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ब्लॉग कह देते हैं। ऐसे ही बच्चे हमारा क्या होता है, वीडियो लॉग होता है ना, होता है ना हमारा वीडियो लॉग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वीलॉग बनाते हैं ना आप लोग, वीलॉग बना देते हैं हमारे, ठीक है, वीलॉग। हाँ, तो ये ब्लॉग जो होता है बेसिकली ये क्या है, पर्सनल वेबसाइट्स होती हैं इन द फॉर्म ऑफ जर्नल। आंसर क्या होगा आपका, थर्ड, पर्सनल वेबसाइट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ जर्नल होती हैं, पर्सनल वेबसाइट होती है इन द फॉर्म ऑफ जर्नल होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, द आउटपुट शोन ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर। भाई आउटपुट जो कंप्यूटर में शो हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, उसे हम क्या कहेंगे, सॉफ्ट कॉपी कहेंगे, क्या कहेंगे, सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, मैं कह रहा हूं मुझे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आप लोग परेशान बहुत होते हैं एक्चुअली, क्या है ना कि आप लोगों के अंदर सिंपल सी बात है, मैं मैक्सिमम बच्चों को देखता हूं, मुझे कमेंट में देख रहा हूं यहाँ पे, आप लोग बहुत बेचैन रहते हैं, समझ, जितने मैं कह रहा हूं कि जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं यूट्यूब पर, जितने क्वेश्चन मैं आप करा रहा हूं, इन सबका मिला जुला ही रूप आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा। आपके एग्जाम में ऐसे ही सीधे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सिंपल से आराम से क्वेश्चन, सिली क्वेश्चन है, ज्यादा बच्चे हार्ड नहीं है, आप चिंता मत करिएगा, तो ऐसे समझिएगा। लेकिन आप लोग तो बिल्कुल ऐसे रहते हैं जो अधीर होते हैं ना, जैसे अधीर बेचैन। हाँ, टू क्रिएट ए सुपर स्क्रिप्ट, अब सुपर स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं बच्चे, सुपर स्क्रिप्ट के लिए आंसर क्या होगा आपका, कंट्रोल स्पेस प्लस इक्वल। याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस इक्वल जो होता है ये सब स्क्रिप्ट के लिए होता है, सब स्क्रिप्ट, इससे पेपर डाउन ही आएगा, इससे पेपर ऊपर नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं, ठीक है, ये भी आपका मैं डाउन ही मानता हूं इसको। हाँ, तो आंसर क्या होगा आपका, सी, कंट्रोल सिर्फ, ये आपका सुपर स्क्रिप्ट के लिए है और सब स्क्रिप्ट के कंट्रोल प्लस इक्वल। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, कंप्यूटर जरगांव आपका W, 4W है, तो चौथे W का मतलब क्या है यहाँ पे, वॉर्म, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। और ये याद रखिएगा, ये पुराना आपका क्या है, एज ए सर्च इंजन था, सबसे पुराना आपका मतलब इस पुराना सर्च इंजन की तरह काम होता था, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। और अगर यहाँ पे वॉर्म की जगह यहाँ पे सी होता तो सी को बोलते हैं कंसोर्टियम, याद रखिएगा, कंसोर्टियम। Moving from one website to another, आपको बताना है कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने को क्या कहते हैं, तो आंसर होगा आपका ब्राउजिंग। क्या होता है आपका, ब्राउजिंग, क्या होता है आपका, ब्राउजिंग होगा, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट जाने को हम क्या कहते हैं, वेब ब्राउजिंग। हाँ चलिए बताइए, तो आज बच्चे हमने 50 क्वेश्चन किए, हाँ जितने क्वेश्चन मैंने किए बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूँ, आज हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए यहाँ पे, इसे प्रीवियस भी जो मैंने आपके क्लासेस ली हैं और आप उन सबको देख लीजिएगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन आता ही नहीं यार, क्वेश्चन आपके जनरल पेपर में 5 नंबर में ज्यादा पूछ ही नहीं रहा वो कोई। हम भी हैरान है बच्चे कि हम आपको कितना कराए, कितना लेवल तक कराए, हम ज्यादा लेवल करा ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें आपका लेवल बच्चे ऐसे मतलब नॉर्मल रखा है कंप्यूटर सेक्शन में, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है, या तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं, या इंटरनेट प्रोटोकॉल है, रैम है, और भी चीजें सिंपल से आपका। ठीक है, 47 का सर, 47 का आंसर बताइए। हाँ, आप क्वेश्चन आपके डाउट ले लेते हैं एक बार फटाफट, मैं आपके कमेंट ही देख रहा हूँ, जल्दी बताइए आपके कोई डाउट है तो बताइए, उसको सॉल्व करवाते हैं, फिर आप क्लास सेशन को आज ये एंड करते हैं। सर 47 का आंसर बताइए, 47 का। देखो
अच्छा हाँ 47 का आंसर रहेगा। हाँ ठीक ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर ऑफ द सॉफ्टवेयर। हाँ बाकी रह गया था आपका 47 का आपका। हाँ तो 47 का बच्चे देखो रिपेयर की बात कर रहा है यहाँ पे, रिपेयर में आंसर क्या होगा, पैच। रिपेयर में आंसर बात कर रहे हैं बच्चे, पैच होगा, याद रखिएगा। पैच जो होता है ये रिपेयर होता है, जहां भी रिपेयर वर्ड आ जाए वहां पे हम पैच लगाते हैं। पैच लगाते हैं कपड़ों में, तो पैच लगाते हैं हम। हाँ और ये प्रतिभा जी कह रही है सर ऑक्टल भी ऐसे चेंज होता है। जी हाँ प्रतिभा जी, ऑक्टल भी ऐसे चेंज होता है। मान लीजिए मैं 26 है, अब 26 ये ऑक्टल है, इसे 10 में कन्वर्ट करना है तो सेम ऐसे ही होगा। अंदर वैल्यू कितनी है 2, लेकिन यहाँ पे 8 का 0 होगा, 8 का 1 होगा और 2 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी हुई, 1 हुई, 1 इंटू 6 6 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 16 6 कितना हो गया आपका 22 हो गया, तो आंसर कितना हो गया 22। तो सेम तरीका यही है बच्चे, कॉन्सेप्ट यही है, बस वैल्यू बदल जाती है। 8 है तो 8 की पावर 0 हो गया, 16 होता है तो 16 की पावर 0, 2 होता है तो 2 की पावर 0, जो होता है उसको बस कॉन्सेप्ट एक ही है, बस रटना नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है ओके, हाँ बिल्कुल समझ आया। हाँ ये क्वेश्चन रह गया था, रिपेयर नहीं होगा पैच होगा, रिपेयर नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो पैच होगा। तो कैसे रहा बच्चे, देखो फिर मैं कह रहा हूं कि आप लोग, कई बच्चों के कमेंट में देखा था कुछ बच्चों के सर ऐसे क्वेश्चन मतलब कम ज्यादा, देखो एक आध क्वेश्चन वो रियल लाइफ से पूछ सकता है, वो हमें भी नहीं पता होता कि कौन सा रियल लाइफ का पूछ सकता है, वो कोई भी पूछ सकता है कि जो आपकी डेली लाइफ एक्टिविटी से जुड़ा होता है, ठीक है ऐसे पूछ सकता है। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये आइडिया है जो मैंने आपको इतना बेस बना दिया तो काफी है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा मैं कह रहा हूं। आप देखिए एग्जाम देके आइए फिर आपको बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस। तो आज क्लास को यही एंड करते हैं, और कैसा रहा सेशन बच्चे लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, जिसका एग्जाम है बच्चे देखो, जिनका एग्जाम हो चुका है वो आपका बेस्ट ऑफ लक है, जिनका एग्जाम है बच्चे ऑल द बेस्ट है, ठीक है दोनों के लिए, जो हो चुके हैं बच्चे, जो होने वाले हैं बच्चे, जिनका सिलेक्शन, तो हम तो चाहते हैं बच्चे कि अध्ययन मंत्रा है बच्चे, कि अध्ययन मंत्रा में बहुत से लोगों का सिलेक्शन हो और फिर आप हमारे पास दोबारा आए। किसके लिए भाई, मॉक इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए, तो हमारी तो ब्लेसिंग्स आपके साथ ही, आपको कहें या ना कहें बच्चे, देखो एक टीचर की ब्लेसिंग्स बच्चों के साथ हमेशा रहती है इसमें, ठीक है ठीक है। तो आज क्लास को सेशन को हम यही कंप्लीट करते हैं। ओके थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ओके हाँ, तो सेशन बता दीजिएगा और कमेंट करिएगा और लाइक करते रहिएगा, हाँ और शेयर कर दीजिएगा बच्चे, जाके जितने भी और बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं वो उसका यूज मतलब उनके लिए यूजफुल रहे और उसका लाभ उठा सकें और उनका भी एग्जाम हो जाए। कहते हैं शेयरिंग बच्चे अच्छाई जितनी फैलाओ तो ज्यादा बढ़ती है। हाँ ओके ओके थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।